उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख इख्तियार कर रहा है, जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के खिलाफ भी आज बगावत हुई है। जिले में उसके पैतृक गांव में जिला प्रशासन के कई नए थानों की फोर्स के साथ जिला अधिकारी के अनुपालन में कुख्यात सुनील राठी के अवैध संपत्ति को कुर्क करते हुए उसके 3 मकानों को सील किया गया है। वही उसकी फॉर्चुनर गाड़ी कार को भी जिला प्रशासन ने जब्त किया है। जी हाँ, जिला प्रशासन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुनील राठी की 1,20,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क करने के बाद सील कर दी है। सुनील राठी फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। सुनील राठी पर पूर्वांचल के डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या करने का आरोप है। डीएम शकुंतला गौतम की कोर्ट ने कुख्यात सुनील राठी पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। डीएम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत सुनील राठी के गांव टिकरी में 72,00,000 रुपए कीमत के करीब 231 वर्ग मीटर में बने 3 मंजिल मकान, 11,50,000 रुपए कीमत के 137 वर्ग मीटर में बने 1 मंजिला मकान, 9,00,000 रुपए कीमत की 155 वर्ग मीटर में बने मकान और सुनील राठी की पत्नी दीपांजलि की 27,00,000 रुपए कीमत की फॉर्चुनर कार को कुर्क करने का आदेश दिया। कोर्ट के अनुसार सुनील राठी वर्ष 2001 से जेल में बंद है। 15 जून 2007 में सुनील राठी, उसके साथी विक्रम और वीरेंद्र समेत 6 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस दौरान सुनील राठी ने संपत्ति कैसे अर्जित की? सुनील राठी ने अवैध तरीके से धन अर्जित कर संपत्ति बनाई। डीएम के सुनील राठी की संपत्ति को कुर्क करने आदेश पर रविवार की सुबह सीओ बडौत आलोक सिंह माई फोर्स गांव टिकरी पहुंचे और कुर्की की कार्यवाही शुरू कर दी। गौरतलब है कि डीएम कोर्ट ने सुनील राठी की माता राजबाला की दोनारी बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया था। दरअसल आपको बता दें कि सुनील राठी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात बदमाश है, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के मामले में विभिन्न थानों में दर्ज है। बागपत के जिला जेल में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या की वारदात को भी अंजाम देकर सुर्खियों में रहा था और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात अपराधी जेल में ही बैठा हुआ अपने गैंग को चला रहा है, जिसने अपनी मां को इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने के लिए बागपत में खून खराबी शुरू करते हुए परमवीर तुंगाना और ईट भट्टा मालिक देशपाल की भी हत्या करा दी थी। थाना क्षेत्र में कस्बा टीकरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी सुनील राठी जो जेल में बंद है, उसके खिलाफ गिरोह बंद अधिनियम गैंगस्टर की 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई है। और इसमें इसके यहाँ पे मकान में 3 मकान जो गांव में थे वो कुर्क किए गए हैं और इसकी गाड़ी कुर्क की जाएगी। ये टोटल संपत्ति की कीमत 1,20,00,000 रुपये अनुमानित लागत है इनकी, और इसी पूरी संपत्ति का प्रशासक डीएम महोदया द्वारा मुझे नियुक्त किया गया। विपिन सोलंकर की रिपोर्ट बागपत से NBC न्यूज़ के लिए।